ये देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 200 बाय 200 कर दिया, डायमेंशन फिर डबल क्लिक किया तो ये आपका पिक टूल से स्क्वायर। अब देखो खाली स्क्वायर पे मैं काम करूँगा, राइट। अब स्क्वायर को प्लस दबाऊँगा, प्लस दबाऊँगा यानी इसकी कॉपी हो गई। अब यहाँ 190 बाय 190 कर दिया, फिर प्लस दबाऊँगा, अभी क्या होगा 180 बाय 180 होगा, फिर प्लस दबाऊँगा कॉपी हो जाता है 170 बाय 170, फिर प्लस दबाया 160 बाय 160। अच्छा ये जो है बेसिक है, आगे जाके इसको मैं एडवांस लेवल पे ये एक फटाक से 2 मिनट में हो जाता है, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, राइट। ये जो चीज़ है और एडवांस तरीके से हो जाएगी, देखो 130 में डायमेंशन के साथ कर रहा हूँ और कुछ कर नहीं रहा हूँ, देखो 120 ये हो गया, 110 110। आगे जाके मैं एक इस एक क्लिक में दिखा दूंगा ये कैसे होता है, एक क्लिक करने से ये पूरा मैजिक हो जाएगा, लेकिन अब आप बेसिक सीख रहे हो इसके लिए आपको इतना डिटेलिंग में समझा रहा हूँ। 90 80 80, देखो इसके बाद में 70 बाय 70, इसके बाद में 60 बाय 60, इसके बाद में 50 बाय 50, इसके बाद में 40 बाय 40, देन यू हैव 30 बाय 30, देन यू हैव 20 बाय 20, देन यू हैव 10 बाय 10, देन स्टिल यू हैव 5 बाय 5। देखो नॉट रिक्वायर्ड 5, अजीब लगेगा 5 बाय 5, देखो ये हो गया। अब आप चाहो तो इसको एक कलर दो, रेड ये ब्लैक कर दिया, एक एक को छोड़ के ब्लैक करते जाओ, अब दिक्कत क्या होगी, राइट ये पीछे चला जाते हैं, ठीक है तो क्या करेंगे, राइट जैसे ही ये ऐसे आया, राइट इसको हम बाद में ये एक एक छोड़ के पहले दिखाता जाता हूँ, कंट्रोल आर करता जाता हूँ, एक एक में ब्लैक फिल हो रहा है, एक एक में नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो दूसरे में वाइट भी होना चाहिए, तो वाइट नहीं फिल हो रहा है, उसमें बाद में वाइट फिल भी करेंगे, ये देखो क्या होता जा रहा है, ये पूरा पूरा ब्लैक होता जा रहा है। अब क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के पेज डाउन, तो ये सबसे पीछे चला गया, लेकिन पीछे का दिख नहीं रहा है, तो अब यहाँ देखो व्यू बताया था, ये वायर फ्रेम देखो, वायर फ्रेम में सब दिखता है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे कलर्स सारे गायब हो गए, ये ब्लैक फिल किया मैंने, यहाँ वाइट फिल करूँगा अभी, ये ब्लैक के बाद यहाँ वाइट कर देता हूँ, वाइट यहाँ, लेकिन दिखेगा नहीं अब ये, राइट ये बाद में दिखेगा, लेकिन बाद में भी नहीं दिखेगा, पीछे है, वाइट कंट्रोल आर दबा रहा हूँ, यानी वाइट फिल से किया, राइट फिर एक छोड़ के एक, फिर से वाइट फिल किया, एक छोड़ के एक, फिर से वाइट फिल किया, एक छोड़ के एक वाइट फिल, इसको छोड़ के इसको वाइट फिल, अब इसको छोड़ के इसको वाइट फिल, इसको छोड़ के इसको वाइट फिल, नहीं गड़बड़ हो गया शायद, हाँ बीच में गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ हो गया, देखते हैं एनहांस में, हाँ देखा गड़बड़ हो गया ना, अब देखते हैं वापस, कोई दिक्कत नहीं, व्यू में एनहांस्ड ये हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ये वाइट होना चाहिए और ये ब्लैक होना चाहिए, ये वाइट होना चाहिए और ये ब्लैक होना चाहिए, ओके आई थिंक एक काम करते हैं, सारे सेलेक्ट करके सबको वाइट कर देते हैं पहले, ठीक है। अब इसको सबसे पीछे है, राइट इसको सबसे पहले वाले पीछे वाले को ब्लैक फिल कर देते हैं, फिर दूसरे वाले को वाइट तो ऑलरेडी है, एक छोड़ के ब्लैक फिल, एक छोड़ के ब्लैक फिल, एक छोड़ के ब्लैक फिल, ये भी कर सकते हो, देखो ठीक है, ये देखो इतना सिंपल है, ये बनाया। अब सेम थिंग यहाँ पे एक और पेज डाल रहा हूँ, पेज कैसे डालेंगे, राइट यहाँ पे आप पेज कैसे डालते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो पेज टू आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ सर्कल ड्रॉ करूँगा, ठीक है, देन आई ड्रॉ इट टू 200 बाय 200 का, यहाँ लिखूँगा ये 200 बाय 200, पेज पी करके पेन सेंटर में कर दिया। नाउ अब क्या करता हूँ, प्लस दबाऊँगा 10 बाय 10, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ मैजिक यूज़ कर रहा हूँ, ब्लेंड टूल लिया, ये ब्लेंड आ गया, कितना हुआ, एक क्लिक में आ गया, देखो ये टूल जैसे मैंने कहा आगे जाके आपको बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है, ये सारे अनग्रुप कर दिया अभी, राइट दिस कैन बी डन, राइट। अब इसके अंदर हम एक एक को चाहें तो सारे सेलेक्ट को पहले सारा सेलेक्ट करेंगे, सबको वाइट फिल कर दिया,
ठीक है, अब अंदर वाले को जैसे ब्लैक राइट, फिर एक छोड़ के ब्लैक, ये सारा आ जाएगा। फिर ये जब तक अनग्रुप नहीं करेंगे राइट, सारे के सारे अनग्रुप करने पड़ेंगे मुझे राइट, पहले मुझे अनग्रुप करने पड़ेंगे राइट। इस तरह से अनग्रुप कर दिए, अब एक एक फिल होगा, एक एक छोड़ के देखो, लिविंग वन फिलिंग वन, लिविंग वन फिलिंग वन, ये सारे टूल्स आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। देखो ये हो गया, ये हो गया, करो प्रैक्टिस, ये 5 मिनट में दो।